SMCC की पेशकश। फोन नंबर 9346317615। बरकत के तौर पर है, हकीकत के तौर पर नहीं है। अब उसका नतीजा यह है कि जब हमने दुनिया के मसाइल का हल अल्लाह के दीन को नहीं समझा, दीन क्या, सब नमाज का नाम दीन है, रोजे का नाम दीन है, सदके का नाम दीन है, हज का नाम दीन है, उमरे का नाम दीन है, इबादत का जो एक शोभा है, ये शोभे को आज मुसलमान दीन कह रहा है। लेकिन औलाद की परवरिश का नाम दीन है, बच्चों की तरबियत का नाम दीन है, कमाने का नाम दीन है, खर्च करने का नाम दीन है, माँ बाप की खिदमत का नाम दीन है, बीवी बच्चों के हकूक की अदायगी का नाम दीन है। अब इन चीजों से दिलो दिमाग बिल्कुल खाली है कि इसे दीन समझने से जिंदगी खाली हो गई। और जब इनको हमने दीन नहीं समझा तो दीन की रोशनी में इन कामों को करना भी खत्म हो गया। आज मुसलमान ताजरों का 90% तबका बेतकल्लुफ और बेबाक सूदी लेन देन के अंदर मुबतला है और वो कहता है भाई जमाना है, मजबूरी है, गुंजाइश है, ये है वो है, और हजारों बातिल तावीलों को लाकर वो अपनी जिंदगी को धोखे में रखा है। हालांकि इन बातिल तावीलों से न मगफरत होने की, न तौबा कबूल होने की, न दिल पाक होने का, न सीनों की सियाही दूर होने की, न हक समझ में आने का। जो हराम की जुल्मतें हैं वो आएंगी और आ रही है जिंदगी में, लेकिन अब जिंदगी के अंदर ये है कि नहीं साहब, क्योंकि अब ये हमारा अपना काम है, अब इसे दीन नहीं समझ रहे। जैसे कुरान पढ़ना दीन है, रोजा रखना दीन है, तो अब रोजे में आदमी छोटी छोटी चीजें पूछ रहा है, कान में पानी गया तो क्या करना, आंख में दवा डाले तो क्या करना। अब ये पूछ रहे हम रोजे के अंदर कि साहब आंख में अगर दवा डाले तो रोजा रहता नहीं रहता, और ये नहीं पूछ रहे कि अगर ये आंख बेहयाई में मुबतला रही तो ईमान रहता या नहीं रहता। अब ये पूछने के लिए तैयार नहीं, इसलिए कि ये समझ रहे कि ये हमारा काम है, इसका काम ये, इसका दीन से क्या ताल्लुक है। हाँ, रोजे का दीन से ताल्लुक है, मौल साहब से पूछ लेंगे। अरे वे वजू कर रहे थे, भूले से एक घूट पानी पी लिया, अब रोजा रहता नहीं रहता। तो एक घूट पानी भूले से पी लिए तो रोजा रहता नहीं रहता, और हराम इस हलक में रात दिन चले जा रहा है, लेकिन ईमान रहता नहीं रहता, इसके लिए तैयार नहीं है। अब ये झूठ से लेंगे, हक दबा के लेंगे, पड़ोसी का जुल्म करके लेंगे, जमीन दबा के लेंगे, किसी का घर के ऊपर कब्जा करके लेंगे, बेवा बहन का हक मार के लेंगे, और फिर उसके बाद उमरा करके समझेंगे कि हम जिब्रील बन गए, और हज करके समझेंगे कि हम जुनैद बगदादी बन गए। इसलिए कि ये समझ में नहीं आ रहा कि ये दीन है। अब इसे दीन नहीं समझ रहे तो इसमें जो चाहे आदमी कर रहा। मुख्तसर ये कि उसी में निकाह का भी एक अमल है कि निकाह को हमने जो समझा कि भाई हमारी खुशी का अमल है, निकाह को इबादत का अमल नहीं समझा और दीन का अमल नहीं समझा, जबकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह को सरापा दीन बतला रहे। इज़ा तज़व्वज अलस फ़क़द इस्तकमला निस्फ़ दीन, कि बंदा जब निकाह के अमल को अख्तियार कर लेता है तो वह आधे दीन को मुकम्मल कर लेता है। तो इसे आधा दीन करार दिया निकाह करने वाले का कि ये महफिल जिसमें ईजाब व कबूल हो रहा और जिसमें महर के तायुन के साथ गवाहों के दरमियान में इजहार हो रहा, ये एक ही रुकन आजम है और ये तुम्हारी निकाह का आधा दीन है। अब इसे दीन समझा ही नहीं। अब निकाह को हमने शोर शराबा समझा, नामो नमू समझा, नुमाइश और हंगामा समझा। अब लिहाजा नुमाइश के ऊपर लाखों रुपये खर्च कर रहे हैं,
पटाखे इसमें छोड़ो, आतिशबाजी इसमें करो, फूल इसमें लगाओ, सेहरे इसमें बांधो और दीन के टुकड़ों को इसमें सजाओ। अब सारी इसी जिंदगी इस बचकानी नहीं बल्कि जाहिलाना रसूम के अंदर खत्म हो जा रही है। बचकानी होती तो फिर वो काबिल माफी थे, लेकिन वो जहालत की और बगावत के अमल जिसको अल्लाह पसंद नहीं करते और नबी लानत फरमा रहे, आज उम्मत उन चीजों को निकाह में अख्तियार कर रही है। और क्या तो निशा हमारी खुशी का मसला है, अब इसमें वीडियोग्राफी, इसमें नाचना, इसमें बाजे, इसमें मरफे, इसमें ताशे, अब जो जी में आए उनको चीजों को अख्तियार कर रहे हैं, सब खुशी है। अरे हमारी खुशी अलग है और आम मुसलमान इंसानों की खुशी अलग है, फिर जानवरों की खुशी अलग है, इंसानों की खुशी अलग है। अब आदमी सोचे कि मैं किसकी खुशी पूरी कर रहा हूं। हदीस पाक में आता अन निकाह मिन सुन्नती, कि निकाह मेरे तरीके पर है, मेरी सुन्नत पर है। तो अब नबी रहमत सलासम की सुन्नत, तो नबी रहमत सलासम ने कितने पटाखे जो छोड़े, कितनी आतिशबाजी की, कितने आर्केस्ट्रा को बुलाए और कितने नाच गाने करवाए और कितना सड़कों के ऊपर बैलों की तरह नाचते रहे और क्या कैसे वहां पर आदमी अपनी जिंदगी को बर्बाद करता रहा। ऐसा कोई काम अल्लाह के नबी सलासम और उनके साहबा ने किया तो साहब नहीं करे तो नहीं करे, हमारी खुशी है। और आका कह रहे हैं कि निकाह मेरे तरीके पर है और जो मेरे तरीके से मुंह मोड़ा वो मेरी उम्मत में शुमार होने के लायक नहीं। तो अब निकाह के दिन अल्लाह के नबी उसे अपनी उम्मत से छांट रहे हैं जो आपके तरीके के ऊपर आपकी सुन्नत पे नहीं चले। और 99% निकाह वो है जो नबी की बगावत का आलम उठा के चल रहे हैं और अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानियों का झंडा लेकर चल रहे हैं। तो भाई जो हमारे जी में आया करेंगे। फुका ने लिखा कि ऐसी महफिलों में करने वाला तो करके किस जुल्म में और किस जुल्मत में पड़ा वो आगे की चीज है, जाने वालों के बारे में फुका ने लिखा अगर तुमको मालूम हो जाए कि इस तकरीब में ये सब कुछ हो रहा है तो उधर तुम्हारे जाने का हर कदम हराम में लिखा जाएगा। जैसे चोर का हराम में लिखा जाएगा चोरी के लिए जा रहा, शराब का हराम में लिखा जाएगा कि शराबी का कि शराब पीने के लिए जा रहा, जानी का हराम में लिखा जाएगा कि जिना करने के लिए जा रहा, ये तहज्जुद गुजार का हर कदम हराम में लिखा जा रहा जो मुबारकबाद देने के लिए जा रहा। अरे नहीं साहब, पड़ोसी का मसला है, महल्ले का मसला है, खानदान का मसला है, रिश्तेदारों का मसला है, अब सारे रिश्ते समझ में आ रहे हैं और ये दिन हमको अपने नबी का रिश्ता नहीं समझ में आ रहा, हमको अपने अल्लाह का रिश्ता नहीं समझ में आ रहा। अगर कोई हमारे बाप को बुरा कह दे तो हम निगाह उठा के देखने को तैयार नहीं, और जो हमारे नबी को सरे रास्ते बुरा कह रहा है हम उससे पीठ ठोकने के लिए जा रहे हैं कि मुबारक आपने जो नबी की बगावत की, मैं आपको गले मिलकर मुबारकबाद दे रहा हूं। तो इस मुबारकबाद देने वाले के ईमान की सलामती कितनी बाकी रहेंगी। अरे साहब, रवादारी का जमाना, हम क्या कर रहे हैं, हम तो कुछ नहीं कर रहे, खाली मुबारकबाद दे रहे हैं। किसको मुबारकबाद दे रहे हैं? शराबी को शराब पे मुबारकबाद देना, जानी को जिना पे मुबारकबाद देना, इस पे ईमान वाले को कुछ मिलेगा? इसी तरह वो अल्लाह का बागी जो इन तमाम हराम अमाल को कर रहा है, अब आके उसकी पीठ ठोकने के, जो आज आपने अल्लाह के नबी का दिल दुखाया, मैं आपको मुबारकबाद देने आया हूं। कौन दे रहा मुबारकबाद? ये उमरा करने वाला, हज करने वाला, तहज्जुद पढ़ने वाला, पांच वक्त का नमाजी, और फिर ये कि नहीं मैं तो पाक साफ हूं, मैं तो कुछ करेंगे। तो इसलिए कि इसको हमने दीन समझा ही नहीं कि मुलाकात करना भी दीन है, मुबारकबाद देना भी दीन है, मुबारकबादी से बचना भी दीन है। कि जिन बुराइयों में जाने से अल्लाह के नबी ने रोका उनमें रुको, ताकि लोगों को यह गैरत तो आए कि मेरी महफिल ऐसी थी कि कुछ लोगों का दिल दुखा, वो इसको आने के लायक नहीं समझे। और हमारी बेहयाई ये है कि हम उसमें शरीक हो गए, रवादारी के नाम से उनकी बगावत की और पानी दे रहे हैं और उनकी नाफरमानी में उनको और हिम्मत बढ़ा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम अच्छा काम करें। तो मेरे दोस्तों और मेरे बुजुर्गों, निकाह को दीन बनाकर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया। और जब दीन, तो दीन का मतलब यह है कि इसके अंदर अल्लाह की बगावत की राई बराबर कोई चीज दाखिल नहीं हो सकती। नहीं साहब, थोड़ा करेंगे। अरे भाई, थोड़ा करो, बहुत करो, जहर दो खतरे पिलाओ या एक शीशा पिलाओ, आदमी के ऊपर असर करके रहेगा।
नहीं साहब हम पूरा शीशा नहीं पिलाते, एक चमचा पिलाते। तो एक चमचा भी तो जहर ही पिला रहे हैं, तो जहर के असरात दवा के थोड़ी होंगे और जहर के असरात गिजा के थोड़ी होंगे। अल्लाह की नाफरमानी के असरात आदमी के ईमान को नुकसान पहुंचाएंगे और उसकी नसलों को गोया बर्बादी के रास्ते के ऊपर डालेंगे। तो निकाह को नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन बनाकर उम्मत के हाथ में दिया, और जब दीन बना कर दिया तो बेआसरा नहीं छोड़ा, बेयारो मददगार नहीं छोड़ा, लावारिस नहीं बनाया कि अब तुम्हारी मर्जी जैसे चाहे उसे पूरा कर लो। इन्ना आजम निकाही बरकत नहीं सरो मऊना कमा काल, कि तुम्हारे निकाहों में आजम तरीन निकाह, महबूब तरीन निकाह, कीमती निकाह वो है जो हल्के फुल्के अंदाज में हो जाए, न उसमें वक्त ज्यादा लगे न खर्च ज्यादा लगे, कम से कम खर्च में और कम से कम वक्त के अंदर वो काम हो जाए। अब निकाह चुटपुट हो जाने की चीज थी कि भाई सीधे साधे अंदाज में कर लो। अब वो सीधे साधे अंदाज की वजह वो निकाह हंगामों के साथ हो रहा। अब नबी साजी का निकाह नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और इतना हल्के फुल्के अंदाज में फरमा दिया कि उम्मे आनी को फरमाया कि रुख्सत कर दो और अपने पास से जहेज का कोई सामान नहीं दिया। जितना सीरत में आता है जहेज फातिमी, वो जहेज हजरत अली रजी अल्लाह तआला के पैसों से जो उनके पास गुंजाइश थी, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहैसियत सरपरस्त के उनका इंतजाम करवा दिया। अपने जेब से पैसा नहीं दिया ताकि कयामत तक उम्मत की बेटियों पे बोझ ना पड़े कि नबी दिए थे तुम भी दो। लिहाजा आपने अपनी बेटी को आंग के बदन के जोड़े के साथ सीधे साधे अंदाज में रुख्सत फरमाया। और जब रुख्सती का वक्त आया तो उम्मे हानी को फरमाया कि दुल्हन बनाकर हमारी बेटी को रवाना कर दो। तो उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला ने आके फरमाया, या नबी अल्लाह मैं फातिमा को ले जा रही हूं लेकिन दुल्हन के बिस्तर में बिछाने के लिए चादर का इंतजाम नहीं है। बकरी की खाल का बिस्तर तो बिछा दिया गया है लेकिन उसके ऊपर बिछाने के लिए बेडशीट का इंतजाम नहीं है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा अगर ये बात है तो हमारे नौ घरानों में तलाश कर लो और कोई अच्छी चादर उसमें से इंतखाब कर लो। तो अम्मे हानी कहती है, नौ घरानों में तलाश की तो दो चादरें मिली सिर्फ, नौ घरानों में नौ चादर भी नहीं मिले। और जो दो चादरें आई उनमें एक बारह पैवंद की आई, एक आठ पैवंद की आई। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की औरतों की सरदारन और अपनी लाडली बेटी और जिगर गोश रसूल के लिए उस आठ पैवन की चादर को पसंद किया और मुस्कुरा के फरमाया कि फातिमा के बिस्तर पे ये बहुत अच्छी लगेगी, इससे ज्यादा कीमती और क्या चाहिए फरमा। और नबीजादी भी उसी बाप की बेटी थी, वो उस पर राजी हो गई और वो चादर बिछाई गई। तो दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ये दुल्हन के बिस्तर की चादर जो आठ पैवंद की थी, अगर आप चाहते तो मदीने में इशारा कर देते तो पूरे सहाबा मोहब्बत में सारा माल लुटा देते और सारी दुनिया ला के बुखैनूर बना देते और आपके घराने के ऊपर लगा देते। लेकिन आपको कयामत तक ये दिखाना था, ऐ लोगों ये कामों पर जान और माल लगने का नहीं है। जान और माल तो दीन की मेहनत पे लगेगा, ईमान की खिदमत पे लगेगा, अल्लाह के बंदों को सीखने सिखाने पे लगेगा, बेवाओं की हाजत पे लगेगा, यतीमों की जरूरत पे लगेगा, बीमारों की परेशानी में लगेगा। यहां पर तो बस ये काम ऐसी चीजों के बगैर चल जाता है। आपने अपनी बेटी के लिए सहाबा को कुछ करने का भी मौका नहीं दिया, बल्कि आठ पैवन की चादर के साथ गोया नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी के दुल्हन का बिस्तर से जाया गया ताकि उम्मत को पता चल जाए कि निकाह ऐसी इबादत है जो इतनी सादगी के साथ करो तो सबसे ज्यादा कीमती बनती है। और जिसे ज्यादा से ज्यादा दुनिया की नुमाइशों में करते हैं वो बदतरीन बनती है, वो बेहतरीन नहीं बनती। तो इस तरह निकाह को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहल बनाकर उम्मत के हाथों में दिया। फिर निकाह के रास्ते से एक दूसरे के हुकूक बतलाए गए, लड़के के हुकूक लड़की को बतलाए गए कि देखो ये तुम्हारा शौहर है, अल्लाह की रजा शौहर की रजा में छुपी हुई है। अब शौहर भी वो होते थे जो अल्लाह को पहचानते, आखिरत को पहचानते और अपनी बीवी से आखिरत और अल्लाह की रजा के काम कराते थे।
अब ये नहीं था कि मेरे शौहर की रजा है लिहाजा चलो आज शादी होगी कल मैं तुमको शापी को लेके चलता हूँ, बाल तुम्हारे कटा देता हूँ, बुरका तुम्हारा उतरवा देता हूँ। ये तो जिहाद की चीजें हैं कि जिन चीजों के ऊपर शरीयत के खिलाफ है तो आदमी अपनी जान पर आ जाए, ईमान को बचाए। इन चीजों में शौहर की मानने की गुंजाइश नहीं है, शरीयत की हुदूद में मानने की गुंजाइश है। और उसमें शौहर का मकाम मर्तबा इतना बड़ा बना दिया कि याद रखो अगर शौहर को जख्म आ जाए और ऐसे जख्म आ जाए कि किसी और रास्ते से उसका इलाज न हो सिवाय इसके कि तुम अपने होठों से चूस चूस के उन जख्मों को साफ करो और उसको राहत पहुंचाओ, तब भी तुम अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकते। ये कहकर शौहर का मर्तबा और मकाम बीवी को बदलाया गया। फिर बीवी का मकाम शौहर को बदलाया गया कि तुम मुहिम है और बीवी तुम्हारी महबूब है, तो महबूबा के तकाजे पूरा करना तुम्हारा दीन है, उसको राहत पहुंचाओ, उसका दिल मत दुखाओ, उसके साथ खुशनवाजी और दिल नवाजी का काम करो। ये सारी चीजें बदलाई, यहां तक बदला दी कि आपने अरफात जैसे मैदान में लाखों साहबा के बीच में मर्दों और औरतों के दरमियान बरमला इस बात का ऐलान कर दिया और फरमाया ऐ लोगों, औरत आदम की टेढ़ी पसली से बनाई गई, उसकी तबीयत में टेढ़पन होगा, उसकी तबीयत में जिद होगी, कमजोरी होगी, उससे कसूर सरजद होंगे, लिहाजा उसके कसूरों को माफ करना तुम्हारी मर्दानगी की अलामत है, उसे उसके कसूरों को तुम माफ किया करो। और कसूरों के माफ करने का जिक्र करते हुए हज जैसे मौके पर अरफात के मैदान में आप कयामत तक आने वाली उम्मत की बेटियों के इतने बड़े वकील बने कि शायद कोई इतना बड़ा वकील बने कि आपने फरमाया ऐ लोगो, अपने औरतों के कसूरों के माफ करने में अपने नबी की सिफारिश को कबूल करो। तीन मरतबा फरमाया अपने नबी की सिफारिश को कबूल करो। इसीलिए उलमा और फुकहा ने साफ लिख दिया है कि जो मर्द अपनी औरत के कसूरों को माफ नहीं करता वो नबी की सिफारिश के ठुकराने और धुतकारने का वबाल अपने आमालनामे में जमा करता है, जिस वबाल के जमा होने के बाद न इसका हज बाकी रहता, न इसका उमरा बाकी रहता, न इसकी रियाजत बाकी रहती, न इसकी सखावत बाकी रहती। तो इसके ईमान का सारा मदार बीवी की मोहब्बत पर और बीवी के साथ लीनत और हमदर्दी के ऊपर कायम फरमाया। इसीलिए वो शफीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने पूरी हयात तैयबा में सख्त कलामी का मसला कहीं नहीं किया और किसी के ऊपर भी कोई ऐसी सख्त बातें नहीं फरमाई, लेकिन वो बदतरीन मर्द जो औरत के ऊपर हाथ उठाए या उसका दिल दुखाए तो वहां पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए लईम का लफ्ज इस्तेमाल किया कि वो इंतहाई कमीना है जो अपनी औरत को मारता हो या दिल को तोड़ता और तकलीफ देता हो। जब नबी उसे कमीना कहें तो उसके अंदर अब तकवा या शराफत क्या बाकी रही है। तो ये कहकर आपने औरत के हुकूक बयान किए और निकाह को ये औरतों और मर्दों के हुकूक के बीच बोने का गोया दिन करार दिया गया कि अब तुम्हारी जिंदगियां जोड़ खा रही हैं, अब आगे एक दूसरे के हुकूक अदा कर इन मोहब्बतों के हुकूक के साथ चलो। इसीलिए उलमा ने औरत की सराहत में इन चीजों को साफ बयान कर दिया कि शादी तक माँ बाप की जिम्मेदारी है, उसको पढ़ाना, उसे लिखाना, उसे कोई काम सिखाना या उसकी तरबियत करना, ये सारी चीजें शादी तक माँ बाप की जिम्मेदारी है। और जिस दिन निकाह हो जाए अब शौहर की जिम्मेदारी है, अब शौहर को जायज नहीं हलाल नहीं कि वो ये कहे कि तुम्हारे बाप क्या सिखाए, तुम्हारे माँ का सिखाए, तुमको पकाना सिखाए क्या, तुमको खिलाना सिखाए क्या, तुमको पढ़ाना सिखाए क्या, तुमको नमाज की पाबंदी सिखाए क्या। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम अपने निकाह में लिए हैं, तुम इन चीजों को पूरा करो इनके माँ बाप को ताना दिए बगैर। अगर तुम ताना देंगे तो तुम लईम के उन हुदूद में आएंगे कि अल्लाह के नबी की कमीनगी तुम्हारे ऊपर पूरी इतलाक कर जाएगी। तो ये रास्ता इस उम्मत को बतलाया गया कि अपनी शराफत और पाकीजगी के लिए निकाह को पाकीजगी का बुनियाद करार दो कि ये पाकीजगी के बीज बोने का दिन है, ये धंधे और कारोबार करने का दिन नहीं है। उन्होंने क्या लेके आए, उन्होंने क्या लेके आए, उनसे क्या मिलेगा, इनसे क्या मिलेगा। अरे जब हमेशा लोगों के जेब और लोगों के पेट और लोगों का सामान देखते रहे तो अल्लाह को कब देखेंगे। इस फकीराना लानत से ये उम्मत निकल जाए और हमारी निगाह अल्लाह की जात पर
और متوکلانہ شان پر آئے کہ آدمی سوچے کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. تو اس امت کو تو ان ذمہ داریوں کے ساتھ بنایا گیا کہ تمہاری یہ ہے کہ تم عورتوں کے حقوق کو ادا کر کے چلو. پھر عورت کے حقوق تو جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیے عملاً اور کروا کے بدلا دیے تاکہ قیامت تک امت کو کوئی گنجائش باقی نہ رہے. اما جان عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مدینہ کی زندگی میں ایک بوڑھی عورت ہمارے گھر پہ آئی اور وہ بالکل پھٹا حال خستہ حال تھی اور بوڑھی عورت تھی، میرے نگاہوں میں اجنبی تھی، مدینہ کی رہنے والی بھی نہیں تھی. اس نے آ کر جب یا نبی اللہ یا رسول اللہ کی آواز لگائی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ حجرے میں ادب سے کھڑے ہو گئے. اب میں حیران ہو گئی کہ کس کی آواز آئی کہ آقا اس کے احترام میں کھڑے ہو گئے اور اس کے اکرام میں آپ کھڑے ہو گئے. فرما عائشہ اندر بلا لے، اور جب میں بلائی تو فرمایا اچھی چادر نکال تو بچھاؤ تاکہ اس کے اوپر ان کو بٹھا لیں. اور جب وہ بیٹھ گئی تو آپ ہم سب کو چھوڑ کے اس کی طرف متوجہ ہو گئے. طبیعت پوچھی، حال پوچھا، خیریت پوچھی، اسی سے بات چیت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب وہ جانے لگی تو آپ پھر کھڑے رہ کر اکرام اور احترام سے روانہ کیا اور ہم سے کہا عائشہ گھر میں کوئی اچھی چیزیں ہیں تو لاؤ تاکہ ان کو ہدیہ دے دیں. میں جو اچھی چیزیں تھی لا کے دے دی تو آپ نے وہ چیزیں ان کو ہدیہ دے کر دور تک جا کر رخصت کر کے آئے. میں حیران پریشان، اور آنے کے بعد کہا کہ یا نبی اللہ اگر اس بوڑھی اور خستہ حال عورت کا جو بالکل اجنبی ہے آپ سلام کا جواب دیتے تو اس کی عید ہو جاتی کہ اللہ کے نبی نے میرا سلام قبول کر لیا، سجائے کہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ اتنا اکرام کیا، آپ اس کے لیے سامنے بیٹھ گئے، اس کی بات ایسی سنی کہ ہماری طرف متوجہ بھی نہیں ہوئے، پھر ہدایے میں اچھی چیزیں اس کو دے کے روانہ کی، آخر یہ ہے کون؟ آپ نے فرما عائشہ تم اسے نہیں جانتی، یہ تمہاری سوگن حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا نام لیا جن کا گویا 10 سال پہلے مکہ مکرمہ میں انتقال ہو چکا تھا. تو 10 سال پہلے جن کا انتقال ہوا ان کا ذکر کیا اور کر کے فرمایا کہ وہ جو تمہاری سوگن خدیجہ کا انتقال ہو گیا یہ ان کے ملنے والی سہیلیوں میں سے ہے، نہ رشتہ دار ہے، نہ دوست ہے، نہ بہن ہے، ان کے ملنے والی سہیلیوں میں سے ہے. اور جو اپنی بیوی کے سہیلیوں کا حق ادا کرتا ہے وہ بیوی کے حق کی ادائیگی میں شمار ہوتا ہے. تو میں نے خدیجہ کے احترام میں ان کے ساتھ یہ سلوک کیا. فرمایا آج تو بیوی کے گویا ملنے والی سہیلی کا کیا حق ادا کرتے، بیوی کے باپ کو نہیں پہچانتے، سب سے مل رہے ہیں سسرے سے ہی نہیں ملتے. ارے بھائی وہ مجرم ہے، کیوں نہیں مل رہے ہیں اس سے بےچارے سے؟ پہلے جا کے ملو، باپ کا مرتبہ ہے، دعا لو ان سے کہ اللہ نے ان کو باپ بنایا، اللہ کے نبی نے فتوا دیا کہ تمہارا وہ باپ ہے جس سل سے تم پیدا ہوئے، اور وہ باپ ہے جس سے تم کو علم دین ملا، اور وہ تمہارا باپ ہے جس نے اپنی بیٹی تمہارے نکاح میں دے دی. تو اللہ کے نبی نے ان کو باپ کا مرتبہ دیا اور یہ بے نور آنکھیں اس کو باپ پہچاننے پہ تیار نہیں، ان کو ماں پہچاننے تیار نہیں. اور اللہ کے نبی سے آزم باپ و ماں نہیں، ملنے والی ایک خاتون سہیلی ہے اور بیوی کا انتقال ہو چکا ہے، برسوں گزر گئے ہیں اور آج اس کے اکرام میں انبیاء کے امام کھڑے ہوئے ہیں اور ہدایت دے کے اس کو روانہ کر رہے ہیں تاکہ امت کو پتا چلے عورتوں کے ساتھ محبتوں کی منزل کیا ہے. اسی لیے اس کو دین بنایا اور کہا کہ آج کی یہ محفل آدھا دین ہے اور باقی آدھا دین ان چیزوں کا لحاظ رکھ کے موت تک زندگی گزارنا ہے. فلیتق اللہ فی النصف الباقی، اب اللہ کا لحاظ رکھ کے ڈر ڈر کر ان چیزوں کا خیال رکھ کے زندگی گزارنا ہے. اب میرے دوستو، اب وہ ماحول، وہ معاشرہ، وہ انجام کے بارے میں تصور اندھے ہو گئے، آدمی کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمارے نکاحوں کو سیدھے سادھے بنائے اور نکاح کو دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر نکاحوں کو پاک باز بنائے، پھر نکاح کے ذریعے سے وہ معاشرت، وہ حقوق کی ادائیگی، وہ محبت و ملنساری کے نظارے، وہ اخلاق کے پردے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت میں دیکھنا چاہتے تھے. اللہ کرے کہ اللہ ہم گناہگاروں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
अगर ये चीजें जिंदगी में आ जाएंगी तो फिर चलते फिरते करवट लेते हुए आदमी लेटे लेटे और बैठे बैठे दुआ करेगा, आसमानों के फैसले हमारी माफकत में आ जाएंगे। अब जो कह रहे हैं साहब रमजान आ गया, कुछ नहीं हो रहा, तरावी पड़े कुछ नहीं हो रहा, और इतने लोग हज करे नहीं हो रहा, इसलिए कि हज के पीछे ये हमारे बदामारियों के टोकरे हैं और रमजान के पीछे ये खबासत वाले अमाल हमारे लगे हुए हैं। हमारे घर बिल्कुल कसाई के घर बने हुए हैं और कसाबों की तरह वहां पर दिलों पे छुरियां चलते रहती हैं और जिंदगी के अंदर आदमी जो है दूसरों के खून से चूस चूस के अपनी जिंदगी गुजारता है और फिर उसके बाद ये समझते हैं कि हम चल रहे हैं। इसलिए कहने वाले बुजुर्गों ने कह दिया ऊपर से बायजीद है अंदर से यजीद बने हुए हैं। तो जिंदगी को अंदर भी बायजीद बुस्तानी बनाना है। इसलिए मेरे भाइयों और मेरे बुजुर्गों उस जिंदगी के लिए सोहबत चाहिए, तरबियत चाहिए, अल्लाह के रास्ते की मेहनतें चाहिए। हक तआला शानहु अपने करम से इस निकाह को बेपनाह कबूल फरमाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम सरपरस्तों को तौफीक दे कि वो पाकीज़ा निकाहों के रास्ते पे उम्मत को डाले और अल्लाह रब्बुल इज्जत तमाम नौजवानों को तौफीक दे कि वो अपने निकाह की नूरानियत से नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशनूदी को हासिल करे और अल्लाह की रजा के तलबगार बन के जिंदगी गुजारने वाले बने। हक तआला अपने करम से दोनों जहान की सुरखुरी अता फरमाए।